अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज ब्रांड न्यू व्लॉग में मेरे पास एक नॉन हाइब्रिड गाड़ी आई है और ज़बरदस्त कार है, होंडा वीजल 1.5 सीसी 2019 मॉडल, फ्रेश इंपोर्ट, 4 ग्रेड, 24,000 किलोमीटर चली हुई, RS वेरियंट। और व्यूवर्स ये 1500 सीसी नॉन हाइब्रिड है, बाकी सारी फीचर्स इसमें सेम है और मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी ड्राइव भी बहुत आला और फ्यूल एवरेज भी बहुत आला है। तो चलते हैं इस कंप्लीट रिव्यू की तरफ। उससे पहले आप मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। व्यूअर्स होंडा वीजल 2019 मॉडल, फ्रेश इंपोर्ट, RS पैकेज, 24,000 किलोमीटर चली हुई, 4 ग्रेड की। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप उसको देख के समझ रहे होंगे हाइब्रिड है। तो व्यूअर्स ये पहली ऐसी कार है जो आपने भी शायद पहले ना देखी हो, नॉन हाइब्रिड, 1500 सीसी, सारा कुछ सेम, सिर्फ इसमें हाइब्रिड यूनिट नहीं है, ये पेट्रोल गाड़ी है। और इसका फ्रंट आप देखें, खूबसूरत इसका अट्रैक्टिव फ्रंट है जिसमें आपको होंडा की सिल्वर कलर में और ग्रे कलर में शो ग्रिल मिल रही है। नीचे आपको बॉडी किट मिलती है और फ्रंट स्क्रीन में आपको वीडियो रिकॉर्डर और फ्रंट स्क्रीन रडार मिलता है। लाइटें आपको व्यूअर्स इसमें DRL मिलती है, LED लाइट मिलती है। नीचे आपको फोग लैंप दिखाऊं, फोग लैंप भी इसके LED है। और इसके अंदर आप ये देखें, नीचे इसके बॉडी किट है, बिल्कुल ये आपको हाइब्रिड ही लगनी है, लेकिन ये हाइब्रिड है नहीं। खूबसूरत इसकी साइड प्रोफाइल, साइड नीचे स्कर्ट्स भी आप देख सकते हैं। साइड व्यू मिरर आपको मैं दिखाऊं तो रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स मिरर, हाइब्रिड में आपको पता है फेंडर के ऊपर बैजिंग हाइब्रिड की आती है लेकिन इसमें नहीं है। क्रोम हैंडल आपको मिलते हैं, उसके अंदर कीलेस एंट्री का सेंसर मिलता है, की स्टार्ट की भी ऑप्शन आपको मिलती है। साइड डोर ग्लास और बैक स्क्रीन इसकी टिंटेड है। रूफ भी आप इसकी देख सकते हैं, हार्ड टॉप आपको मिलती है। और पूरी गाड़ी के नीचे और साइडों पर आपको एयर प्रेस मिलते हैं। बैक साइड से भी आपको दिखाओ तो व्यूअर्स, जितनी खूबसूरत ये फ्रंट है उतना खूबसूरत इसका बैक है। बैक के ऊपर आपको टॉप पे शार्क एंटीना मिल जाता है, स्पोर्ट्स कॉलर मिलता है विद लाइट, उसके बाद आपको टिंटेड स्क्रीन मिलती है, बैक वाइपर मिलता है, स्क्रीन के अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डर मिलता है, टेल लाइट आपको LED मिलती है, यहाँ पर आपको RS की बैजिंग मिल जाती है और बैक व्यू कैमरा मिलता है। डिगी गार्निश भी आपको ग्रे टच के साथ मिलती है, हाइब्रिड की बैजिंग इधर आ जाती है। इस साइड पर आपको वीजल की बैजिंग मिलती है और व्यूअर्स नीचे बम्पर में आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं। लेफ्ट प्रोफाइल भी आपको दिखाऊं, पिन स्पॉट ये कार है, कोई इस पर स्क्रैच स्पॉट डेंट कुछ भी नहीं है, वेरीफाइबल ऑक्शन शीट है। और इस साइड के व्यू मिरर में आपको ये स्मॉल ग्लास भी मिलता है जिससे आपका फ्लोर जो है वो आपको हेल्प करता है। गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, आपको मैं इसकी लाइटें दिखाता हूँ और इसका स्टार्टअप भी आपको बताता हूँ। ये आप इसका स्टार्टअप देख सकते हैं, यार ये इतनी को तेज़ गाड़ी है, आपकी सोच होनी है अगर आप इस गाड़ी को भगाएं तो आपको इसका मज़ा आ जाना है, क्योंकि ये हाइब्रिड ही नहीं मान इसकी ड्राइव 1500, तो ये तो बगैर उसके हाइब्रिड के आई है। तो आपको मैं लाइटें दिखाऊं, खूबसूरत इसकी लाइटें, कलर भी इसका बड़ा अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल है। RS में आपको पता है कि ये बॉडी किट है और ये सारा कुछ आ जाता है, इसके अगर हम ग्लास भी सारे जेट ब्लैक कर देना तो व्यूअर्स ये गाड़ी ज़बरदस्त लगेगी। रिम भी अगर हम इसके ब्लैक कर दें तो इसकी टोर ही और हो जानी है। टेल लाइटें आप देख ले, LED टेल लाइट। और आपको मैं इसका रिम दिखाना भूल गया तो मैं आपको इसका रिम भी दिखा दूँ। व्यूअर्स RS में जो इसके 18 इंच के व्हील रिम आते हैं, आपको पता है कि इसमें 2 कलर में आपको कम्बिनेशन मिलता है, ब्लैक विद सिल्वर। और डनलॉप के इसमें टायर हैं, टायर साइज 225/50R18 हैं। दूसरी गाड़ी में जो है वो 15-16 का रिम आता है, इसमें आपको 18 का रिम मिलता है। रूम की तरफ चलते हैं, RS में आपको मैं दिखाता हूँ। ये आपका पोर्शन फैब्रिक स्वेट फैब्रिक में आ जाता है, बाकी आपकी लेदर पोशिश आती है। डोर की इनर हैंडल आपको क्रोम का मिलता है, 4 डोर ग्लास, आपके ऑटो सेंटर लॉकिंग, रीट्रैक की सेटिंग, 4 डोर स्पीकर आपको मिलते हैं, कप होल्डर मिलता है, स्मॉल कंपार्टमेंट मिलता है, फ्लोर मैट आपको आफ्टर मार्केट मिलते हैं और नीचे वीजल के अपने ओरिजिनल फ्लोर मैट मिलते हैं। सीटें आपको दिखाऊँ व्यूअर्स, जिसमें मैनुअल सीट आती हैं, आउटर इसका लेदर का है और इनर सेंटर में आप देख सकते हैं ये आपको स्वेट फैब्रिक मिलता है। सीटों के अंदर आपको एयरबैग मिलता है। इनकी स्टिचिंग आप देखें, खूबसूरत स्टिचिंग है, जोड़ ही नहीं है जापानियों का यार।
ब्यूटीफुल रूम देखें आप RS में, आपको रूफ भी, आपका रूफ क्लॉथ भी ब्लैक मिलता है, स्वेट फैब्रिक भी आपको ब्लैक का मिलता है, और यहाँ पे आपको मैं ऑप्शन दिखाता चलूँ तो आपको वीवर्स इसके अंदर यहाँ पे फ्रंट रडार, लेनेसिस कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इको की ऑप्शन, AC वेंट आपको फ्रंट पे चार मिलते हैं, और चारों AC के सराउंडिंग में आपको ये लाइन जो है वो आउटर लाइन वो आपको क्रोम की मिलती है। देन आपको अगर मैं आपको होस्टी दिखाऊं तो वीवर्स आप होस्टी भी इसकी लेदर की है, फ्रंट पे आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, दो आपके फ्रंट पे, दो आपके पलर पे और दो फ्रंट सीट में, लेदर स्टीयरिंग व्हील और बोथ साइड आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलता है, यहाँ पे भी आपको बोथ साइड ऑप्शन मिलती हैं, इस साइड पे आपको क्रूज की ऑप्शन मिल जाती है, लेनेसिस की ऑप्शन मिलती है, ट्रैक की, ब्लूटूथ की ये सारी, और वॉल्यूम अप डाउन करने की ऑप्शन आपको यहाँ पे आ जाती है, इससे आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको इसका क्लस्टर दिखाऊं तो व्यूअर्स ये इसका क्लस्टर है जी हाइब्रिड में, आपको पता है कि आप स्पोर्ट मोड पे करें तो आपको RPM शो होता है, लेकिन ये पेट्रोल है तो आपको लेफ्ट साइड पे इसका पूरा RPM शो हो रहा है, 27,000 किलोमीटर्स ये कार ड्रिवन है। और व्यूअर्स इसकी मैं आपको अगर पेट्रोल की एवरेज भी दिखा दूँ तो ज़रा आप मेरे साथ रहिए, तो ये गाड़ी अभी स्टार्ट है और आप इसको देख सकते हैं 11.9 की एवरेज है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर इसको मैं चलाऊँ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है 1500 cc पेट्रोल, तो ये आपको 14-15 की एवरेज देती है। अगर आप दोस्तों में कोई ऐसा है जो पेट्रोल डीजल का मज़ा लेना चाहता है और पसंद करता है पेट्रोल गाड़ी, तो ये मेरे शोरूम पे इस टाइम अवेलेबल है, फ़ौरन आए और इस गाड़ी को ख़रीदें, बहुत ज़बरदस्त ये कार है। लेदर स्टीयरिंग व्हील, उसके बाद आपको पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं, देन आपको मैं दिखाऊँ तो ओरिजिनल गैदर का जो होंडा में TV नेविगेशन आता है वो है, आप अपना इसे ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, पुश बटन स्टार्ट की ऑप्शन, क्लाइमेट कंट्रोल ऑप्शन, उसके बाद आपको फ्रंट दोनों सीटें हीटेड मिलती हैं, हीटेड कूल मिलती हैं, यहाँ पे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, गियर नॉब आप इसकी देख सकते हैं, इसका गियर शिफ्टर दूसरी वीजल से डिफरेंट है, तो आप इसको D पे करके भी ड्राइव कर सकते हैं और S पे भी ये आ जाती है, और S पे करके आप इसे फिर लाइक दिस ये आप देखें। उसके बाद आपको ऑटो इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक आ जाती है, ओल्ड ब्रेक आ जाती है, ये पैनल आपका ग्रेट टच में खूबसूरत पैनल है। और व्यूअर्स उसके बाद यहाँ पे आपको दो कप होल्डर मिलते हैं, आप इनको यूं ओपन करके इस बटन से तो अपना दो कप होल्डर बना सकते हैं, इसको अगर आप डाउन करें तो नीचे हिडन कंपार्टमेंट मिल जाता है, सेंटर आर्मरेस्ट भी आपका स्वेट फैब्रिक में, उसके बाद आपको यहाँ पे भी कंपार्टमेंट मिलता है, ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाऊँ, ग्लव बॉक्स की स्पेस भी अच्छी है, वीडियो रिकॉर्डर यहाँ पे आपको मिलता है अभी उतारा हुआ, बैक व्यू मिरर भी आपका ऑटो है, रूम लाइट आपकी LED है, उसके बाद सनशेड में आपको दिखाऊं तो दोनों साइडों पे वैनिटी मिरर आपको मिलता है विद लाइट, और रूफ आपको मैं दिखाऊं तो RS में आपको पता है कि ब्लैक रूफ आती है। यार ये गाड़ी बहुत ही आला है यार, इसको मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको भगाऊं और इसका मजा लूं, इतना मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि इस गाड़ी की ड्राइव आपकी सोच से भी ज्यादा होनी है। 1500 cc इंजन है, ये आपकी 2500 cc गाड़ी को पकड़ सकता है, मुझे इस चीज की 100% श्योरिटी है। तो बैक डोर में भी आपको कंपार्टमेंट मिलता है, पोशिश सेम लाइक फ्रंट की तरह, बैक सीट आप देख सकते हैं 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बंद करना है तो आप इस सीट को यूं बंद करके अपना ट्रंक की स्पेस जो है वो बढ़ा सकते हैं, और ये आपको पोर्शन लेदर में मिलता है, सेंटर आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे मिलता है, उसके बाद आपको यहाँ पे कप होल्डर मिलता है और सॉकेट मिल जाती है कार चार्जर की, बैक सीट पे आपको सॉफ्ट पॉकेट मिल जाती हैं, और उसके बाद आपको मैं दिखाता चलूँ तो बैग पे आपको यहाँ पे एयरबैग मिलते हैं, बैक केबल में भी आपकी लाइटें LED हैं, खूबसूरत यार ये कार होंडा वीजल 1.5 पेट्रोल 2019 मॉडल। अभी मैं आपको इसकी प्राइस बताऊंगा तो फिर आप देखना कितना फ़र्क है हाइब्रिड में और इसमें। ट्रंक स्पेशियस, ये सारी ट्रंक की स्पेस है, आप इसको उठाएं तो नीचे आपको ये कंपार्टमेंट मिल जाता है, आप इसमें अपना सामान रख सकते हो, और इन सीटों को मैंने आपको बताया कि अगर आप बंद कर देते हैं तो आपके पास स्पेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। बैग पे आपको ये वीडियो रिकॉर्डर मिलता है, ड्यूरिंग ड्राइव आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और गाड़ी आप खरीदेंगे आपको ये जापनीज प्लेटें नहीं मिलनी, बाकी ही आपको पूरी गाड़ी और पेपर्स मिलेंगे, आपको ये प्लेटें मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरी पसंदीदा प्लेट्स हैं, इसलिए ये मेरे रिकॉर्ड में रहेंगी। गाड़ी आपकी अमानत है, जो दोस्त भी इसमें इंटरेस्टेड है वो विज़िट करें, कॉन्टेक्ट करें, आपके सामने स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको शो हो रहा है, किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट एनी टाइम कर सकते हैं। और फिलहाल ये आपको मैं दिखा रहा हूँ जी होंडा वीजल, आपको मैं इसका इंजन भी दिखाता हूँ, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ मैंने आपको बताया कि इसके जो हाइब्रिड यूनिट है ना वो इसके अंदर इंस्टॉल नहीं है, बाकी सारा कुछ बिल्कुल बोल्ट टू बोल्ट वही है।
किसी चीज़ का भी कोई फ़र्क नहीं है। तो ये आपके सामने ये देखें, कहीं पे आपको कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा होगा, सिर्फ आपको हाइब्रिड यूनिट जो है इसमें नहीं मिलता। तो जनाब, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, और मेरे चैनल के रेफरेंस से आते हैं तो आपको पता है आपका भाई आपको हर वीडियो के एंड पे कहता है कि आपको खसूसी डिस्काउंट मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिमांड इसकी जो है 75 लाख रुपीज़ है, 19 मॉडल की RS वीजल हाइब्रिड में जाएँ तो कम अज़ कम भी 85 से 88 लाख रुपया प्राइस है। ये आपको 19 मॉडल की RS 1500 पेट्रोल 75 लाख रुपए की मिलेगी। आप अगर आएंगे, खसूसी डिस्काउंट आपको दूंगा, तो जल्दी करें, देर मत करें। स्मार्ट कार 51 जेल रोड पे गाड़ी अवेलेबल है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।